हमारे सनातन धर्म में महिलाओं को एक देवी का रूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है महिलाओं के कुछ कामों को करने से उनके घर से माँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धनाभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। प्रिय मित्रों, सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती है। प्रिय मित्रों, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती। प्रिय मित्रों, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए मेहमान बंधु बनकर के आई हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल संसार दर्पण ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।